5 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिलासपुर दौरे पर आ रहे हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एम्स अस्पताल व हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज का शुभारंभ करेंगे। सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी कोठीपुरा स्थित एम्स अस्पताल में आएंगे और एम्स आईपीडी का उद्घाटन करने के बाद कोविड सागर झील के किनारे स्थित लुहणू मैदान में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, सीएम जयराम ठाकुर, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, भाजपा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सोदन सिंह व भाजपा प्रदेश प्रभारी अविनाश राय खन्ना सभा स्थल पर पहुंचे और तैयारियों का जायजा लिया। जेपी नड्डा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए भाजपा कार्यकर्ताओं व प्रशासनिक अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए हैं। सबसे पहले मैं समझता हूं कि 5 अक्टूबर हिमाचल के लिए एक ऐतिहासिक दिन है और ख़ास तौर बिलासपुर के लिए। उस दिन दशहरा भी है। एक बहुत बड़ा तोहफा जो है वो बिलासपुर को, हिमाचल को मिल रहा है और उससे बड़ी बात है कि देश के प्रधानमंत्री उसको समर्पित कर रहे हैं। ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी के प्रयास से ये प्रोजेक्ट यहाँ आया है और देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने इसको मंजूरी देकर, मैं समझता हूँ कि हम सब लोगों के लिए एक बहुत बड़ा गिफ्ट, बहुत बड़ा संदेश जो है वो हम सबको दिया है। एक भव्य रैली का यहाँ आयोजन किया जा रहा है। मैं भी प्रवास करके आया हूँ, कार्यकर्ताओं में जितना उत्साह है इस रैली के प्रति और आम लोगों में भी कि इतना बड़ा इंस्टीट्यूट जहाँ दिल्ली जाना पड़ता था एम्स के लिए, आज हिमाचल में ही, बिलासपुर में ही उनको वो इलाज मिलेगा, वो ट्रीटमेंट मिलेगा। अच्छे डॉक्टर, अच्छी मेडिकल सुविधा ये बिलासपुर को मिलने वाली है। मैं पार्टी की तरफ से, लोगों की तरफ से, मैं देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। उज्जवल हिमाचल के लिए बिलासपुर से सुरेंद्र जम्बाल की रिपोर्ट। बुडमल ज्वेलर्स पालमपुर, भरोसा उम्र भर का।